शिवराज सरकार की तरफ से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में चुनावी बजट पेश किया। ये बजट 3,14,025 करोड़ रुपए का है, जिसमें महिलाओं से लेकर किसानों तक का ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे कल्याणकारी तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे सत्यानाशी बजट बताया। शिवराज सरकार ने विधानसभा में अपना बजट पेश किया। बजट चुनावी है, इसलिए लोक लुभावन भी है। हालांकि कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे सत्यानाशी बजट की संज्ञा दी है। बजट में लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना चुनाव से पहले मानी जा रही है। प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़, महिलाओं के स्वरोजगार को 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अन्य योजनाओं को लेके भी इसमें काफ़ी कुछ ऐसा किया गया है जो अब से पहले बजट में देखने को नहीं मिला। साथ ही नगरीय निकायों को 842 करोड़ रुपए, प्रदेश में सड़कों और पुलों के लिए 56,256 करोड़ रुपए, कृषि संबंधित योजनाओं के लिए 53,264 करोड़ रुपए सहित अन्य कई योजनाओं के प्रावधान किए गए हैं। कुल मिला के बजट महिलाओं और किसानों के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। इसकी शुरुआत करेंगे, अब इससे बड़ा कोई महिला सशक्तिकरण का उदाहरण नहीं हो सकता कि उनके खाते में 1,000 रुपये हर माह जमा होंगे, यह सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा उदाहरण है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23-24 के बजट के बारे में कहा कि ये बजट अद्भुत और अतुलनीय बजट है। ये जनता का बजट है, इसके लिए जनता से भी सुझाव लिए गए थे। ये बहुत ही संतुलित है। महिलाओं के कल्याण के लिए 1,02,976 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 12वीं में टॉप करने वाली छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। किसानों के लिए 53,264 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा। जनजाति कल्याण के लिए 36,900 करोड़ रुपए का प्रावधान है। शिक्षा पर 38,375 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं के लिए 38,375 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। समाज के हर वर्ग के कल्याण को इस बजट में ध्यान में रखा गया है। $500 मिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश को बनना है। साथ ही मुख्यमंत्री चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ की दुकान है। कांग्रेस में आज इतना दम नहीं था कि वो इतने अच्छे बजट को ढंग से सुन पाती, और इसलिए हाउस में भी चिल्ला सुनने मत दो, जनता भी ना सुन ले। मैंने आग्रह किया सार्वजनिक रूप से खड़े रहकर, मीडिया भी गवाह है कि कम से कम बजट भाषण तो जिसको जनता सुनना चाहती है वो ढंग से हो जाने दो। लोकतंत्र की परंपरा है, आप अपना जब बजट पर चर्चा होती जो कहना होता कहते, लेकिन ना कोई अनुशासन है ना लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास, केवल झूठ झूठ और झूठ परोसना, तो झूठ की दुकान हो गई है कांग्रेस। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बजट पर कहा कि ये राम राज की कल्पना को साकार करने वाला बजट है। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। होली के त्योहार पर प्रदेश की दिवाली मन रही है। वहीं कांग्रेस पर बात करते हुए मिश्रा ने कहा कि उन्होंने 10 दिन में कर्ज माफ करने का वादा किया था, वो वादा पूरा क्यों नहीं किया गया। कमलनाथ जी, काट की हाड़ी बार बार नहीं चलती, और ये जो है आपने जो झूठ बोला है, पहले ये स्पष्ट करो कि पिछली बार जो 2,00,000 रुपया 10 दिन में कर्जा माफ करने का काम था वो क्यों नहीं कर पाए। ये प्रदेश की जनता अच्छे से समझती है। 4,000 का बेरोजगारी भत्ता देने का कहा था, क्यों नहीं दिया। अभी एक नया झूठ चालू कर दिया, नकल करना चालू कर दिया आपने, और इसलिए आप ये तय मान के चलिए काट की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती। शिवराज सरकार के बजट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ये कर्ज कमीशन और सत्यानाशी का बजट है। इनके पिछले बजट में केवल 55% का वितरण हुआ। इस साल 1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, ये बजट केवल एक फॉर्मेलिटी है। वहीं तरुण भरत जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, कमलनाथ की सरकार में वित्त मंत्री रहे, उनका कहना है कि इस बजट पर हम होली के बाद सदन के अंदर चर्चा करेंगे। ये घाटे का बजट है। गैस और बिजली के बिल सस्ते नहीं हुए हैं। ये चौपट राजा चौपट सरकार का चौपट बजट है। चौपट राजा और चौपट सरकार, चौपट राजा और चौपट सरकार जिसने 19 वर्षों में मध्य प्रदेश को कंगाल कर दिया और किसी को राहत नहीं दी।
हम इस बजट का विरोध करते हैं। सरकार से तत्काल मांग करते हैं कि जब चर्चा पुनः शुरू हो सदन में तो सबसे पहले सरकार ये कहती है केंद्र सरकार ने मोदी जी ने सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया, पर आपके पास अधिकार है, मैं अभी वित्त मंत्री इस प्रदेश में रहा हूँ, आप वैट कम कर सकते हैं और आप जनता को राहत दे सकते हैं। सब कुछ प्रस्तावित है, सब प्रावधान है, पर अगर हम पिछले साल का बजट देखें उसमें भी जो प्रस्तावित और प्रावधान थे उसमें से केवल 55% का वितरण हुआ। तो ये पिछले साल की बजट की ये तुलना कर लें और ये बजट तो केवल 3 महीने का है, केवल चुनावी घोषणा, गुमराह और कलाकारी का बजट है। स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, और ये बजट केवल एक फॉर्मेलिटी थी कि इसको कर दें और जनता को किसी ना किसी तरह मूर्ख बनाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।